दिन और रात में भेद न करने वाले अथक परिश्रमी कठोर कृषि कार्य मत्स्य आखेट व मत्स्य पालन करने वाला निषाद समाज अति पिछड़ा होते हुए भी दुर्गम स्थानों पर निवास करने वाले निषाद बंधुओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के साथ ही सामाजिक उत्थान की दिशा में निषाद समाज संघ निरंतर कार्य कर रहा है जो काफी सराहनीय व प्रशंसनीय है। कार्यक्रम में शामिल भिलाई नगर विधानसभा के विधायक व युवा नेता देवेंद्र यादव ने निषाद समाज संघ भिलाई के वार्षिक पारिवारिक मिलन समारोह में घासीदास नगर स्थित निषाद भवन में मुख्य अतिथि की आसंदी से कहा। उन्होंने निषाद समाज द्वारा निषाद बंधुओं के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए स्वयं के द्वारा घोषित एवं विधायक निधि से निर्मित निषाद समाज संघ के भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ ही भवन के बाउंड्री वॉल एवं प्रसाधन गृह निर्माण व पेयजल के लिए बोर की आवश्यकता को शीघ्रता से क्रम अनुसार निर्माण कर प्रदान करने की घोषणा भी करी। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम भगवान निषाद राज गुहा के तैलचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके की गई। वही निषाद समाज के उत्तर प्रदेश मथुरा से आए बीरपाल निषाद, अंबिकापुर के सुजान बिंद और निषाद समाज संघ के अध्यक्ष नारद राम ने पूजा अर्चना की। इस दौरान विविध रंग रंग के कार्यक्रम यहां पर किए गए। इसमें समाज के प्रतिभावान बच्चों व विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। बोलिए भगवान निषाद राज गुहा जी की। निषाद राज गुहा बहुत बहुत धन्यवाद। निषाद समाज संघ दिलाईदुर आज श्री श्री गुहा निषाद राज जयंती एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन में यहाँ पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित हमारी पार्षद गिरांटी जी यहाँ पर उपस्थित हम सबके, और मैं कहूँगा उनका भाषण मैंने सुना और उस भाषण में बड़ी आत्मीयता दिखी और प्यार दिखा, तो मैं अध्यक्ष जी का मंच से बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा नारद मुनि राम जी का कि उन्होंने इतना स्नेह और आशीर्वाद अपने भाषण में हमें दिया। श्री राम प्रयाग निषाद जी, श्री देव प्रसाद चौधरी जी, राम जी साहनी, कलिका चौधरी, देव प्रसाद चौधरी, महिला प्रकोष्ठ के सभी सम्मानित जन, घासीदास इकाई, युवा प्रकोष्ठ और हम सबके बीच में हमारे पार्टी के युवा नेता आदरणीय राजेश चौधरी जी, और मैं कहूँगा आपके समाज से हमारे पार्टी में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाने वाले मेरे साथी भी हैं, दोस्त जैसे हैं, हम लोगों की दोस्ती भी है, हम लोग साथ में काम करते हैं। उनका पिछले समय में जो समाज में सक्रियता बढ़ी और आप लोगों ने भी उनको स्नेह दिया, उससे निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा समाज से जुड़ पा रहा हूँ। आकाश चौधरी यहाँ पर है, हमारा बहुत ही मजबूत साथी है, हमारे साथ कुर्सी पार में कंधे से कंधा मिला के मुझे लगता है पिछले 5-6 साल से लगातार काम कर रहा है। मैं परिवार से भी उनके जुड़ा हूँ। मैं यहाँ पर देश भर से लोग आए, बनारस से आए हैं, उत्तर प्रदेश से, और भी हमारे परिजन आए, मथुरा से आए हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं भिलाई वासियों की तरफ से, भिलाई के प्रतिनिधि करते हुए आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सबका आना हम सबको ऊर्जा देता है और कहीं ना कहीं समाज, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक ताना बाना इसको प्रदर्शित करता है कि इतने दूर दूर से भी हम लोग एक दूसरे के पास आते हैं और हमारा आत्मीयता और सामाजिक एकता वैसी ही बनी हुई है। देखिए बहुत ज़्यादा विषय नहीं है, विषय तो आज युवक युवती परिचय पर सम्मेलन का है। हमारे छोटे भाई बहनों सब लोग खूब आगे बढ़े समाज के, ये हमें ऐसी कामना करते हैं। और सामाजिक उत्थान की हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, युवा है, बच्चे हैं, उनकी शिक्षा अच्छे से हो, उनको समाज की समझ हो, सोसाइटी की समझ हो, तो वो अपने आप आगे बढ़ जाते हैं और समाज को भी आगे बढ़ाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।